निर्गमन अध्याय 36, निर्गमन अध्याय 36, और बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश किया था, अर्थात जिस जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया और इस्राएली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उनके बनाने के लिए ले आए थे उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंटे लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था, और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पट की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पट एक ही नाप के बने। उसने 5 पट एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पट भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और जहां ये पट जोड़े गए वहां की दोनों छोरों पर उसने नीली नीली फलियां लगाई। उसने दोनों छोरों में 50-50 फलियां इस प्रकार लगाई कि वे आमने सामने हुई, और उसने सोने की 50 घुंडियां बनाई और उनके द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पट बनाए। एक एक पट की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पट एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पट अलग और 6 पट अलग जोड़ दिए, और जहां दोनों जोड़े गए वहां की छोरों में उसने 50-50 फलियां लगाई, और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल की 50 घुंडियां भी बनाई जिससे वह एक हो जाए, और उसने तंबू के नीले लाल रंग से रंगी हुई मेंढू की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई दो दो चूल्हे बनी। निवास के सब तख्तों के लिए उसने इसी भांति बनाई, और उसने निवास के लिए तख्तों को इस रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी दो चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई, और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनवाए, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनवाई, और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिम ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनवाए, और पिछली अलंग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनवाए, और वे नीचे से 2-2 भाग के बने, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक उन दोनों तख्तों का ढब ऐसा ही बनाया।
इस प्रकार आठ तख्ते हुए और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे दो दो कुर्सियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेंडे बनाए, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास की जो अलंग पश्चिम और पिछले भाग में थी उसके लिए भी 5 बेंडे बनाए। और उसने बीच वाले बेंडे को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए बनाया और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेंडों के घर का काम देखने वाले कड़ों को सोने के बनाया और बेंडों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनवाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना और उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनवाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी घुंडियां भी सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां ढाली और उसने तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुए सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनवाया और उसने घुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनवाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई।